नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम समर जो वेजिटेबल्स की तैयारी कर रहे हैं समर सीजन की, तो उसमें हम कुछ वेजिटेबल्स लगाने जा रहे हैं जिनके लिए हमें सीडलिंग मिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो कैसी सीडलिंग मिक्स बनानी है, क्या क्या उसमें मिलाना है और कैसे सीडलिंग्स हमें लगानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा आपको कि जब सीडलिंग आपकी तैयार हो जाती है तो उसमें कौन सी कंपोस्ट देनी है, कैसे उसे ट्रांसप्लांट करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जिस चैनल पे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कुछ हम आज वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग सीड्स लगाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सीडलिंग मिक्स आपको गर्मी के लिए कैसे बनानी, चूँकि धूप बहुत हो रही है तो अब हमें जो सीडलिंग मिक्स चाहिए उसमें मॉइस्चर काफ़ी अच्छे से होल्ड होना चाहिए। तो हमने देखिए 50% काउडंग कंपोस्ट इसमें और 50% कोकोपीट ले लिया है। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी चीज़ अभी मिक्स नहीं की हुई है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कोकोपीट और काउडंग कंपोस्ट का मिक्सचर ये है हमारा, जिसको अभी मिलाया नहीं हमने। नीचे कोकोपीट है, ऊपर काउडंग कंपोस्ट डाल के छोड़ दिया है। अब दोस्तों इसमें सिर्फ हमें एक चीज़ और इस्तेमाल करनी है, वो है राख। राख दोस्तों हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि राख में आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, तो वो हमारे जो रूट ग्रोइंग होंगे हमारे पौधे का, जो सीडलिंग्स जब भी हम लगाते हैं तो उसका जो पहला स्टेज होता है वो रूट ग्रोइंग का होता है। तो रूट जब ग्रो होती है तो उन्हें बहुत अच्छी नाइट्रोजन की मात्रा चाहिए होती है। तो हम इसमें राख मिलाएंगे, और राख चूंकि दोस्तों इसलिए भी मिलाएंगे क्योंकि इसका ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल का भी काम करता है। तो हम इतनी पूरी सीडलिंग मिक्स में अपने एक मुट्ठी रेत मिलाएंगे। एक मुट्ठी से ज़्यादा रेत हम नहीं मिलाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो मिट्टी की पीएच वैल्यू है उसको काफ़ी बढ़ा देता है और हमें एसिडिक कर देता है, तो हमें एसिडिक ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हम एक मुट्ठी राख मिला के इसमें इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे सारे को। और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी सीडलिंग्स लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी सीडलिंग मिक्स रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए प्लास्टिक के छोटे छोटे बास्केट हैं जिनमें हम सीडलिंग्स लगाएंगे, और इनमें देखिए मैंने ढेर सारे ड्रेनेज होल बना लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ड्रेनेज होल मैंने एक एक में कर लिए हैं। तो इसमें दोस्तों ये होता है कि जो भी वाटरिंग होती है, एक्सेस वाटर होता है, वो आराम से नीचे से निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, और हमारे सीड्स जो हैं काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो ये देखिए इतनी इतनी मिट्टी हमने, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं भरनी है इसमें, जो मिक्स हम सीडलिंग मिक्स हमने बनाई है इस प्रकार हमें सारे भर लेने हैं। तो दोस्तों सारे भरने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमने सारी अपनी पॉटिंग मिक्स इन ट्रेज में भर के तैयार कर लिया है। अब इसमें हम सीड्स लगाएंगे। तो आइए देखते हैं हमें सीड्स कैसे लगाना है। तो दोस्तों ये जो मिक्स हमारी तैयार है इसमें हम लगाएंगे सनफ्लावर। ये देखिए सनफ्लावर की सीड्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सनफ्लावर के सीड्स हैं, ये स्मॉल वाले सनफ्लावर्स हैं। तो इन्हें हम एक एक दाने करके पूरे इसमें पॉट में बिखेर देंगे, और बिखेरने के बाद इसके ऊपर से हम हल्की मिट्टी से कवर कर देंगे सारे सीड्स को। देखिए जहाँ कहीं दाने ज़्यादा हो गए हैं सीड्स, तो इसे हम वहाँ से साइड में कर देंगे, और इसे हल्के हाथों से पहले हम दबा लेंगे। और दबाने के बाद जो पॉटिंग मिक्स हमने इसमें बना के भरी हुई है उसी पॉटिंग मिक्स से हम इसे कवर भी कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने हल्के हाथों से इसे ऐसे भुरभुरा के मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स है हमारी उसी पॉटिंग मिक्स से ऊपर से कवर कर देना है। और यही चीज़ दोस्तों हमें सभी पॉट में, जितने भी पॉट्स हमने लगा रखे हैं भर के, सब में हम यही करेंगे। हल्के हाथों से जो मिट्टी भुरभुराने के बाद इसे प्रेस कर देंगे ताकि जब हम वाटरिंग करें तो जो सीड्स हैं इनके वो मिट्टी से बाहर ना निकले। जहाँ मिट्टी कम हो वहाँ और ज़्यादा डाल दीजिए इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार हमारी सारे सीड्स लगकर रेडी हो गए हैं। अब इसमें आखिरी जो काम है वो हमें करना है वाटरिंग देने का। सभी सीड्स को हमने लगा के ऊपर एक पतली सी लेयर से ढक दिया है, और इसमें अब हम करेंगे वाटरिंग।
तो वाटरिंग करते समय जो आपको खास ख्याल रखना है वो ये है कि वाटरिंग इतनी हार्ड ना हो कि जो सीड्स हमने दबाए हैं मिट्टी में वो नीचे मिट्टी खुद जाए और सीड्स बाहर आ जाए। तो देखिए बहुत ही हल्के से वाटरिंग करनी है, और वाटरिंग आपको करनी है पूरी भरपूर मात्रा में सभी सीड्स में। इतनी वाटरिंग करनी है कि जितनी पूरी मिट्टी हमारे पॉट की गीली हो जाए। देखिए अब दोस्तों वाटरिंग हो जाने के बाद आपको जो इसका खास ख्याल रखना है, इसे हमें रखना है इनडायरेक्ट सनलाइट में किसी शेडेड प्लेस पे। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखने से चूंकि इसमें धूप बहुत तेज हो रही है तो मिट्टी बहुत जल्दी सूखेगी और फिर जो सीड्स हमारे जो इनमें अंकुरण होंगे वो जल के खराब हो जाएंगे। तो इन्हें इसलिए हमें शेडेड प्लेस में रखना होता है, और शेडेड प्लेस में रखने के साथ साथ इसमें आपको वाटरिंग तभी करनी है जब आपको इसकी मिट्टी ड्राई नजर आए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी गीली है फिर भी हम वाटरिंग करते जा रहे हैं, इससे सीड्स गल के खराब हो जाएंगी। तो इन दो बातों का ख्याल रखना है आपको। अब इसके बाद आइए मैं ले चलता हूँ आपको जो मेरी सीड्स लगी हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो गई हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब सीड्स आपकी ग्रोथ करना शुरू कर जाएं तो उसके बाद फिर आपको कौन सी इसमें कंपोस्ट करनी है और कैसे उसे ट्रांसप्लांट करना है। तो दोस्तों ये हमारी सीडलिंग्स है जो ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है, तो आज हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे। ये सेम के पौधे हैं तो इन्हें हम ट्रांसप्लांट करते हैं, देखते हैं हमें ट्रांसप्लांट कैसे करना है। तो दोस्तों ये हमारा थर्माफॉर्म पॉट है और ये करीब 2 फुट लंबा है और 18 इंच चौड़ा है। इसमें हम चारों कोनों पे 4 पौधे इसके लगाएंगे। थर्माफॉर्म पॉट का सबसे जो खास चीज़ होता है ये होता है कि इसे हम बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसे हल्का हल्का प्रेस करके हम इसे देखिए पूरी रूट सहित निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें रूट कितनी अच्छी ग्रो हुई है, बिल्कुल वाइट वाइट रूट है। तो इन्हें हम चारों कोनों पे हल्की हल्की जगह बना लेंगे और जगह बना के इसमें हम इस पौधे को सेट कर देंगे। दोस्तों थर्माफॉर्म प्लांट से इस प्रकार जब हम निकाल के पौधे लगाते हैं तो हमारे पौधे जो हैं वो ट्रांसफ़र शॉक में नहीं जाते हैं। तो इसी प्रकार हम चारों कोनों पे ये चारों पौधे लगा लेंगे। दोस्तों जब भी आप सीडलिंग्स लगाते हैं तो जब पौधे आपके जर्मिनेट हो जाएं और उनमें ट्रू लीव्स आने लग जाएं तो आप उनमें जो लिक्विड कंपोस्ट है गाय के गोबर से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट उन्हें ज़रूर दें। उससे आपके पौधे की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि पौधों की सबसे पहली स्टेज होती है उनकी रूट्स बनाना, जब रूट्स बन जाती हैं तभी पौधे की आगे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो जो गोबर की खाद से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है जिससे कि रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। तो आप जब भी पौधे आपके 1 से 2 ट्रू लीफ निकल जाए तो आप उसमें गोबर से बनी हुई लिक्विड कंपोस्ट ज़रूर दें ताकि आपके पौधे में नेचुरल अच्छी ग्रोथ मिल सके। तो दोस्तों इस प्रकार देखिए हमने पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब इसमें हमें करना है वाटरिंग। हम अच्छे से वाटरिंग कर देंगे ताकि जो पौधे की रूट है वो नई मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाए, हमारा पौधा सेट हो जाए। और वाटरिंग करने के बाद इसे हम जो है अभी इसमें कोई कंपोस्टिंग नहीं करेंगे। जब पौधा एक बार सेट हो जाता है उसके बाद हम इसमें स्टार्टिंग में लिक्विड कंपोस्ट ही देंगे जो कि पौधों की रूट्स को आसानी से ग्रहण कर सके। उसके बाद दोस्तों जब आपका पौधा पूरी तरह से सेट हो जाए और एक बार ग्रोथ पकड़ ले तो आप फिर इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और बोन मील कंपोस्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमें रिपोर्टिंग करनी है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।